गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था और कितनी बड़ी संख्या में पंजाब से लोग हर बार जाते हैं, 150वां हुआ था तो याद है ना कि कितना बड़ा आयोजन हुआ, इतने लोग प्रसन्न हुए थे। अब पता नहीं किस तरह के व्यक्ति हैं, उनको पता नहीं है कि बिहार के लोगों से कितना बड़ा लगाव है, इसलिए अपना नुकसान कर लिया। छोड़िए इन सब के बातों के। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर दिए गए बयान के बाद सियासत काफी तेज हो गई है। खास करके बिहार में इसकी काफी निंदा की जा रही है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसको लेकर कई सारी बातें कह चुके हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो ठीक नहीं कहा है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में है, वहां पर वे बिहार सदन में ठहरे हुए हैं और नए बने बिहार सदन का मुआयना भी करने गए हैं। लेकिन उस दौरान जब उनसे बातचीत की गई और सीएम चन्नी के बयान पर सवाल किए गए तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। एक्शन वगैरह सब कर ही लिए थे और उसी समय हमने कह दिया था कि आकर के हम यहीं रहेंगे और उसके बाद सब लोगों के रहने का पूरा पहले से प्रबंध कर लिए, कर लिया। अब आ जाके हम रुक गए। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि अब ये लोग सब लोगों के रहने का, जो लोग भी दूसरी जगहों पर जाते हैं उनके रहने का यहाँ प्रबंध बिहार के लोगों का कर देंगे। सब देख लिया है, सब चीज़ बहुत ठीक ढंग से अब हो गया है, इफेक्टिव हो गया है। इसलिए हम आ करके एक रात तो रह करके इसलिए जान करके देखना था ना, एक रात और रह करके देख करके इसलिए पूरा तौर पर सब ठीक। दिल्ली दौरा है तो शादी के लिए आए हैं ना, अभी तो जरा हम अखबार जो दिखाते रहते हुए दिखाने जा रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री चन्नी का एक बयान है, चन्नी का क्या बयान है सर? वो बहुत गलत बयान है। देखिए, उसके बारे में तो हमसे कल पूछा था, कह दिए। आप बताइए कि जिस तरह से पंजाब की भूमिका है, अब बिहार के कितने लोग वहाँ रहते हैं, पंजाब के कितने लोगों की सेवा करते हैं, कोई विदेश जाते हैं और उनके सब काम को वहाँ देखते हैं, और आप सोच लीजिए और कितना महत्व है बिहार का। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था और कितनी बड़ी संख्या में पंजाब से लोग हर बार जाते हैं और किस तरह से बिहार में लोग वहाँ भी पूजा करते हैं, वहाँ उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, जो लोग भी बाहर से आते हैं। और जो 350वां हुआ था तो याद है ना कि कितना बड़ा आयोजन हुआ 17 में, इस साल कितना बढ़िया हुआ और उसके अलावे लगातार हो रहा, तो कितने लोग प्रसन्न हुए थे। अब पता नहीं किस तरह के व्यक्ति हैं जिनको ये मौका दे दिया अपने पार्टी ने, ये सब कुछ जानते ही नहीं है, उसे अपना नुकसान किए। पंजाब के लोगों की एक बहुत ही मतलब कि प्रेम का भाव है, वहाँ से आदर का भाव है, क्या बात है। और आप जान रहे हैं, हम राजगीर में जो किया था, गुरु नानक देव जी महाराज से भी संबंधित था जब वो गए थे अपने जीवन में, तो अब वहाँ पर कितना बढ़िया बन रहा है और कितने लोग अब जो आते हैं पटना साहिब में, वहाँ से किस तरह से अब सब बार जब लोग जाते हैं तो पता ही नहीं है, हमको लगता है कितना बड़ा महत्व है बिहार का, उनको पता नहीं है कि बिहार के लोगों से कितना बड़ा लगाव है, इसलिए अपना नुकसान कर लिया। छोड़िए इन सब के बातों के। तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातें सुनी, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर वे काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो ठीक नहीं कहा है और ये सारी बातें कहकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें जानना चाहिए कि आखिरकार बिहार और पंजाब का रिश्ता आखिर आपस में क्या है। उन्होंने तख्त श्री हरिमंदर साहिब का जिक्र किया, ये कहा कि जब वहां पर प्रकाश पर्व होता है या फिर अन्य चीजें होती है तो किस तरह से बिहार के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पंजाब से लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और बिहार में रुकते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि बिहार और पंजाब का रिश्ता क्या है। इससे पहले भी सीएम ने कहा कि अगर बिहार के लोग छोड़ देंगे तो पता नहीं पंजाब का क्या हो जाएगा। पंजाब के उत्थान में बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और बिहार के तमाम नेता जो है वो आक्रोश जाहिर कर रहे हैं सीएम चन्नी के बयान पर, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को पंजाब पर राज करने नहीं देना है। इसके बाद सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बयान देते हुए ये कहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने। देखना होगा कि आगे ये मामला और कहां तक पहुंचता है और कितना विवाद बढ़ता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।